पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रामपुर रोड जलपतपुर स्टेट सिंडिकेट बैंक में उस समय हंगामा हो गया जब ग्राहक पैसे निकालने बैंक पहुंचे और बैंक प्रबंधक द्वारा सभी ग्राहकों को बैंक का सर्वर चालू न होने की बात कही गई, जिसको लेकर सिंडिकेट बैंक के ग्राहक परेशान हो गए और पैसे की निकासी को लेकर हंगामा करने लगे। मामला बुधवार के दिन का है। सिंडिकेट बैंक पहुंचे ग्राहकों द्वारा बताया गया कि बैंक प्रबंधक द्वारा मनमानी की जा रही है, ग्राहकों को समय से पैसे नहीं दिए जाते। जब भी ग्राहक पैसे की डिमांड करते हैं, बिडोल भरकर देते हैं, तो बैंक का स्टाफ बैंक का सर्वर चालू न होने की बात कहकर टाल देता है। इस तरह का मामला लगातार होने के चलते आज ग्राहकों द्वारा बैंक प्रबंधक पर आरोप लगाया गया, जिसमें कहा गया कि सुबह से शाम तक किसी भी ग्राहक को उसकी जमा राशि नहीं दी जा रही, जरूरत पड़ने पर भी पैसे नहीं दिए जाते, जबकि बैंक प्रबंधक की जान पहचान के लोग बैंक ड्यूटी खत्म होने के बाद बैंक में जाते हैं और पैसे लेकर आ जाते हैं। बैंक के मुख्य द्वार पर जमा भीड़ में मौजूद एक स्थानीय निवासी से इस बाबत बात की गई, तब उन्होंने बताया। अच्छा, क्या मामला आया सिंडिकेट? मामला ये है सर, मैं अभी दो तीन दिन पहले यहाँ पर आया, चार दिन पहले यहाँ पर आया, तो मैं अपनी ना पासबुक लेकर आया, ठीक है, मैं चेक लेकर आया, तो इन्होंने बोला धुला हुआ है, ठीक है। दूसरे दिन आया, बोला नेटवर्क नहीं है। तीसरे दिन आया, नेटवर्क नहीं है। आज आया, फिर भी नेटवर्क नहीं है। मैं इतने ज़रूरत है, मेरे जो काम है वो सब छोड़कर आया, नेटवर्क नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, चलो मैं तो जवान हूँ, मैं तो आ जाऊँगा, ठीक है, लेकिन जो लोग 60 साल के ऊपर के हैं, 65 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो वो बुजुर्ग महिला जो रो रही हैं यहाँ पे, बैंक के सामने खड़े होकर, बैंक के वहाँ पे खड़े होकर रो रहे हैं काउंटर पे जाके। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है ना 40-40 रुपये 50-50 रुपये रोज रह के लगा के आते हैं और पूरा उनके यहाँ पे दर्द हो रहा है टांगों में, ठीक है। उनको 2000 रुपये तक नहीं मिल रहे। कितने? 2000 रुपये तक खाली। तो अब आप मुझे बताओ, जो इतने लोग हैं, मैं अकेला गलत हो सकता हूँ, क्योंकि पुलिस वालों ने भी गलत ठहराया, उन्होंने मुझसे बोला मैं तुम्हें, हम तुम्हें मार देंगे, दो थप्पड़ देंगे, ये देंगे, आप मुझे मार दोगे, लेकिन आप मुझे बताओ कि ये लोगों को क्या करोगे, हैं? ये कल हमारे बाप भी हो सकते हैं। अगर पुलिस वाले को उसी को ये पूछा जाए कि अगर ये तुम्हारा बाप होता तो तुम ऐसा कर लेते, चलो मुझे ठीक है, मेरी टांगों में जान है, लेकिन इसको ऐसा कर लेते हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये अपनी जो माँ है वो। अच्छा, मैनेजर से क्या बात हुई आपकी? मैनेजर से ये बात हुई, उन्होंने बोला कि हम 5-7 दिन से फोन कर रहे हैं, सुनो अभी वो बोल रहे हैं फोन कर रहे हैं हम 5-7 दिन से, ठीक है। अभी मैंने बात की तो उसने पहले तो नंबर मुझे गलत दिया था, पहले नंबर दिया था, आप बात कर लो, नंबर गलत दे दिया, उसने अपने फ़ोन से दूसरा नंबर लगा के दिया, ठीक है। जब मैंने कॉल किया तो उसने बोला सर मुझे मालूम नहीं था, मेरी नॉलेज में नहीं था, मुझे अभी मालूम पड़ा, मैं देखूंगा। अभी पूरा दिन लाइन लगाते, अपने काम छोड़ के आते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। पैसा किसको मिलता है? जब 5 बजे के बाद, जब बैंक बंद होती है 5 बजे के बाद, जो लोग 5 बजे के बाद आते हैं ना, वो सीधा अंदर जाते हैं और पैसा 1.5-1.5 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए निकाल के ले जाते हैं। वही बैंक पे हो रहे हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, तब लोगों द्वारा बैंक पर कई प्रकार के आरोप लगाए गए। भीड़ व्यवस्था बना रहे पुलिस अधिकारी से जब इस बाबत बात की गई, तब उन्होंने बताया। गाड़ी का नंबर क्या है? 247। अच्छी, कौन सी बैंक है ये? सिंडिकेट बैंक जलपतपुर। क्या मामला सर इसका? इसमें पैसे को लेन देन के लिए विवाद था, बैंक वालों ने बताया कि कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, बस किसी को लेकर विवाद था, चौकी मौके पर चौकी थाने के पुलिस को बोलता गया। अच्छा, जो यहाँ पर मौजूदा लड़का खड़ा है उसे कहना ये है कि बिना कनेक्टिविटी के भी लोग पैसे दे रहे हैं, आपके संज्ञान में ये बात है कुछ? नहीं, ऐसी कोई। एक स्थानीय नागरिक द्वारा बताया गया, बैंक में रोज इस तरह का मामला प्रकाश में आ रहा है, ग्राहक आते हैं और बैंक द्वारा उन्हें बिना पैसे दिए ही बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, बैंक प्रबंधक मनमानी कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा मांग की गई कि प्रबंधक को हटाकर उनके स्थान पर नए अधिकारी की तैनाती की जाए, ताकि बैंक ग्राहकों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। क्या मामला है सिंडिकेट बैंक के? ये जब से सपनील मैनेजर आए हैं, कभी भी अपनी चेयर पर नहीं बैठते, हमेशा स्टॉक रूम में बैठते हैं, वहाँ पब्लिक को डील करते हैं, जिससे डील हो जाती है उसका काम कर देते हैं, और जिससे डील नहीं हो पाती है, इससे मैनेज नहीं हो पाता पैसे का लेन देन, उसे धक्के देकर बाहर निकालते हैं। मुझे बड़े उच्च अधिकारी उससे स्पेशल दिखाते हैं कि सिंडिकेट बैंक के CCTV कैमरे चेक करे आएँ, ये अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठते, क्यों पब्लिक को डील नहीं करते, ये एक सार्वजनिक अपनी कुर्सी पर जो इन्हें बैंक ने एज ए मैनेजर की पावर दी है, मैनेजर की कुर्सी पे क्यों नहीं बैठती है? ये हमेशा अपने स्टॉक रूम में वहीं रिश्वत लेते हैं, वहीं बैठते हैं।